नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। आज मैं आप सबको सब्सक्राइबर की भेजी सच्ची डरावनी कहानी सुनाऊंगा, तो अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और कहानी में खो जाइए। ये पहली कहानी है हमारे सब्सक्राइबर भाई फैजल अहमद जी की। आगे की कहानी मैं उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगा। हाय एवरीवन, मैं फैजल हूँ और मैं मैसूर कर्नाटका का रहने वाला हूँ। आज जो ये कहानी आप सुनेंगे ये करीब 10 साल पहले की है, जब मैं सिर्फ 16 साल का था। मैं आपको बता दूँ, मेरे पापा आर्मी में थे तो उनको ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती थी, पर फिर भी हम एक बार मार्च के महीने में अपने फूफू के घर उनके गांव जा रहे थे। मैं पहली बार उस गांव में जा रहा था। जैसे ही हमारी कार गांव के अंदर आई, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। गांव में पहुंचते ही मैंने एक अजीब चीज़ भी नोटिस की। वहां हर घर काफ़ी ऊंची जगहों पे बनी हुई थी और गांव के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था, और वो काफ़ी पुराना लग रहा था। उसके शाखें जमीन को छू रही थी और वो बरगद का पेड़ कुछ अनोखा भी लग रहा था। फिर मैं अपने कज़न के साथ खेलने चला गया। कब खेलते खेलते शाम हो गई पता ही नहीं चला। रात को खाना खाने के बाद हम सब सोने चले गए। सोते वक्त मेरे भाई यानी कि मेरे कज़न ने कहा, उसने कहा, चाहे रात को कोई भी बुलाए या कुछ भी हो, अकेले उठकर कहीं मत जाना। अगर बाथरूम भी जाना होगा तो भी अकेले मत जाना, किसी को उठा देना। यह कहकर वो सो गया। मुझे तो पहले लगा कि मेरा भाई मेरे साथ मजाक कर रहा है, पर वो सही था। ठीक आधी रात को मेरी आँख खुली, क्योंकि मुझे पेशाब जाना था, पर मेरे भाई की बात याद आ गई और डर के मारे मैं दोबारा सो गया। पर कुछ देर बाद मजबूर होकर मुझे बाथरूम जाना पड़ा। वहाँ बाथरूम घर के बाहर था और उसमें एक टिन का दरवाज़ा लगा हुआ था। मैं बाथरूम पहुँचा और तभी मुझे अचानक घुंघरुओं की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुझे काफ़ी डर लगा, बाथरूम से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बाथरूम के दरवाजे के एक छोटे से छेद से बाहर झांकने लगा। बाहर का नज़ारा देखते ही मैं डर के मारे सहम गया। मैंने देखा बाहर एक सफ़ेद साया पैरों में घुंघरू बांधकर एक डरावने तरीके से नाच रही थी। वो एकदम सफ़ेद दिख रही थी। तभी अचानक से उसका नाचना बंद हो गया और वो मेरी ओर बढ़ने लगी। ये देखकर तो डर के मारे मेरे हाथ पैर सन पड़ गए। तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। गांव के बीचों बीच जो बरगद का पेड़ था उसमें से एक भयानक आवाज़ निकली और फिर एक विशाल काला साया उस पेड़ से आया और उस सफ़ेद साये को रोक लिया। ये सब देखकर मैं कब बेहोश हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो मैं गांव के मस्जिद में लेटा हुआ था। कुछ देर बाद मेरे सारे घर वाले भी मुझे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए। फिर उसी मस्जिद के मौलवी साहब ने सारा किस्सा हमें बताया। कई साल पहले उस गांव में एक बुरी औरत रहा करती थी जो कि छोटे बच्चों की बलि दे देती थी। ये किस्सा जानने के बाद पास वाले गांव के मज़ार में रहने वाले पीर बाबा ने उस औरत को शाप दे दिया कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। मरने के बाद वो औरत एक चुड़ैल बन गई और मरने के बाद भी वो बच्चों का शिकार करती रहती थी। और वो पीर बाबा की आत्मा थी जो कि उस बरगद के पेड़ पर रहती थी, और उन्होंने ही पिछली रात मेरी भी जान बचाई थी और आज तक वो उस गांव की रक्षा कर रहे हैं। ये दूसरी कहानी है अनुभव जी की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुभव है और मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये बात है 2010 की। वो नवंबर का महीना था। मैं एक दोस्त की शादी में गया हुआ था भिलाई। रात को लौटते हुए काफ़ी देर हो गई थी, करीब रात के 1:30 बज चुके थे। मैं और मेरा छोटा भाई आशु, हम दोनों अपनी कार से वापस घर की ओर आ रहे थे। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हम करीब 1:30 बजे वहां से रवाना हुए। वहां से हमारा गांव 90 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं कार ड्राइव कर रहा था और आशु मेरे बाजू में बैठा हुआ था। कार की स्पीड लगभग 100 किलोमीटर पर आर की थी। रास्ता भी एकदम सुनसान था। अचानक ऐसा लगा
जैसे किसी ने कार के पीछे कुछ पत्थर जैसा मारा। मैंने गाड़ी रोका और हम दोनों कार से उतरकर पीछे देखने चले गए। सच में कार के पीछे एक डेंट बना हुआ था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं चिल्लाते हुए बोला, कौन है, किसने पत्थर मारा? तभी रास्ते किनारे की झाड़ी में कुछ हलचल होने लगी। आशु झाड़ियों की ओर देखने चला गया, मैं भी उसके पीछे चला गया। तभी हमने देखा उस झाड़ियों के पीछे एक पेड़ पर एक आदमी की लाश झूल रही थी। ये देखकर हम दोनों काफ़ी डर गए और भागते हुए कार की ओर आने लगे। मैं कार को दोबारा भगाने लगा। कार ड्राइव करते हुए अचानक मेरी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी। वही लाश दौड़ते हुए हमारे पीछे आ रही थी। अभी भी उसके गले में वही फंदा पड़ा हुआ था। कुछ देर आगे जाने के बाद मुझे शिवजी का एक मंदिर दिखा। मैं और आशु हम दोनों दौड़ते हुए मंदिर के अंदर चले गए। हम लोग सुबह तक वहीं बैठे रहे। करीब सुबह 6 बजे हम दोनों वहां से वापस आए। बाद में मुझे पता चला कि उस जगह पे अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इसके बाद मैं कभी भी रात को कहीं जाता तो हमेशा अपने कार में एक रुद्राक्ष की माला साथ ले जाता। ये तीसरी और आखिरी कहानी है मेरे एक दोस्त सुनील की। हाय, मेरा नाम सुनील है। ये बात मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी। जब दादाजी करीब 30 साल के थे, वो एक टोल नाके पे काम किया करते थे। वो हमेशा शाम के 6 बजे तक घर वापस आ जाते थे, पर एक बार उन्हें घर आते आते 8:30 बज गए थे। उस नाके से दादाजी का घर यानी कि हमारा गांव करीब 1 किलोमीटर था। दादाजी पैदल ही आते जाते थे, तो उस रात दादाजी ठीक 8:30 बजे नाके से पैदल गाँव की ओर आने लगे। देरी के कारण वो घर जल्दी पहुंचना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खेतों वाला रास्ता चुना जल्दी आने के लिए। चारों ओर खूब अंधेरा छाया हुआ था, बस उनका टॉर्च ही उनका सहारा था। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई उनके पीछे आ रहा है। तभी उन्हें गांव वालों की एक बात याद आ गई। गाँव वाले कहते थे कि अमावस की रात उसी रास्ते में एक छलावा घूमती है और वो किसी का भी रूप लेकर आ सकती है। दादाजी डर के मारे भागने लगे, पर तभी उनके पीछे से एक अजीब सा बकरा आया और उनके साथ ही भागने लगा। अब दादाजी का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी उन्हें याद आया कि उनके पास माचिस है। उन्होंने तुरंत माचिस निकाला और एक तीली जलाया और उसी बकरे की ओर फेंक दिया। जलता हुआ तीली बकरे को छूते ही वो बकरा एक काला साये में तब्दील हो गया और चिल्लाते हुए खेतों की ओर भाग गया। अब दादाजी गांव पहुंच ही गए थे। अगले दिन उन्हें काफ़ी बुखार हुआ, पर 2-3 दिन बाद वो ठीक भी हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ कहानियाँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।